हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्रैवलर यूके 13 में। मैं हूं अभी बद्रीनाथ जी में। आज आपको दिखाऊंगा आदि केदारेश्वर मंदिर, ब्रह्म कपाल तीर्थ और अंत में भजन मंडली में बैठेंगे। दोस्तों, अभी शाम के लगभग 5 बजे हैं और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की अब बहुत कम भीड़ यहाँ पर है। नहीं तो यहाँ 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी होती है। आज आप देख सकते हैं मंदिर परिसर खाली है। अब आपको लेके चलता हूँ आदि केदारेश्वर मंदिर के लिए। ये देख सकते हैं, पहुंच गए हम आदि केदारेश्वर मंदिर में। साथियों, आपको आदि केदारेश्वर मंदिर के बारे में बताऊं तो शिव भगवान पहले बद्रीनाथ में ही निवास किया करते थे और इसी मंदिर में, आदि केदारेश्वर मंदिर में ही निवास किया करते थे। बाद में विष्णु भगवान की लीला के कारण उन्हें केदारनाथ जाना पड़ा था। दोस्तों, आदि केदारेश्वर मंदिर के बाद अब हम चलते हैं तप्त होने के लिए। आप देख सकते हैं, आप अभी बद्रीपुरी का टेम्परेचर लगभग 3-4 डिग्री पर है। देख सकते हैं आप सामने नारद शिला, ये देख सकते हैं आप तप्त कुंड। देख सकते हैं आप लगभग 40-45 डिग्री इसका टेम्परेचर है। अब चलते हैं आगे। ये इससे आगे आपका गांधी घाट, ये नीचे आप देख सकते हैं नारद कुंड। और दोस्तों, अभी हूं मैं गांधी घाट में। ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है और ठीक यहाँ नीचे अलकनंदा नदी बहती है। और अब जो ये आप स्थान देख रहे हैं, इसे ब्रह्म कपाल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का तर्पण देने के लिए आते हैं। इस स्थान पर जिस व्यक्ति का श्राद्ध हो जाता है, उसके बाद उसे कभी भी श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे श्राद्ध नहीं करना पड़ता है फिर। और ये है वो स्थान ब्रह्म कपाल तीर्थ। ये देख सकते हैं आप, और ये ठीक नीचे अलकनंदा नदी। और ये जो आप शिला देख रहे हैं, इसे ब्रह्म शिला कहा जाता है। ये वही स्थान है जहां पर शिव भगवान को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी।
साथियों अब आपको लेके चलता हूँ वापस मंदिर की ओर, वहाँ चलेंगे भजन मंडली में। और फाइनली पहुंच गए हम मंदिर में, टाइम हो गया 6:15 और लाइटें खुल चुकी हैं मंदिर की। और अब चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है आपका गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 था जो आपको सामने से दिखता है। जय बद्री विशाल। लगभग 6:45 से यहाँ पर भजन संध्या शुरू हो जाती है। चलते हैं आगे। यह क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का मंदिर, दर्शन कर सकते हैं आप। नर नारायण मंदिर, ये है हनुमान जी का मंदिर, जय बजरंग बली। देख सकते हैं आप बद्री विशाल जी का भव्य मंदिर। ये लगी है यहाँ पर भजन मंडली।